धर्मनगरी वृंदावन में चल रहे कुंभ मेला के अंतर्गत विभिन्न अखाड़ों, संस्थाओं एवं मंदिर के सेवायतों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में रविवार को नगर के प्राचीन सप्त देवालयों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा रमण, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा दामोदर एवं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के साथ ही सोनार गौरंग मंदिर, गोपाल बाग जगन्नाथ मंदिर, श्रृंगारवट मंदिर एवं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के संयुक्त शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे, ढोलताशे, मृदंग आदि के धार्मिक धुनों के मध्य निकाली गई सप्त देवालयों की शोभा यात्रा में शामिल ठाकुर राधा गोपीनाथ कडोला, ठाकुर राधा दामोदर, ठाकुर राधा दामरावण एवं गोपाल भ्रष्ट गोस्वामी एवं चैतन्य महाप्रभु के फूलों से सजे ढोले एवं ढोलों के साथ धर्म ध्वजा लेकर चल रहे संतों के अलावा मंदिरों के सेवायत एवं संकीर्तन मंडली सभी की आस्था एवं आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। वहीं शोभा यात्रा में धार्मिक धुनों पर नृत्य करते हुए चल रही महिला श्रद्धालु, पट्टेबाजी करते हुए अखाड़ों के संत एवं युवा एवं ऊंट घोड़े सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शोभा यात्रा का जगह पुष्प वर्षा एवं ठाकुर जी की आरती उतारकर भव्य स्वागत भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मध्य निकाली गई यह शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करती हुई कुंभ मेला क्षेत्र स्थित श्री रामानंद श्याम एवं प्रभु नगर पहुंची, जहां सभी डोलाओं में विराजमान होकर ठाकुर जी के चित्रपट पर विग्रहों का पूजन कर अर्चना। पावन पर्व पे जो 12 वर्ष बाद आता है, ये सप्त देवालयों की यात्रा में श्री राधा रमण जी की यात्रा जा रही है, जो कि एक प्रकार से कुंभ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि वृंदावन के जो आदि स्थान है वो ये सप्त देवालय हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा वृंदावन का उद्घाटन हुआ और उनके अनुगत्य जो 6 गोस्वामी और सब उनके वैष्णव हैं, उन्होंने वृंदावन का पुनर्स्थापन किया और उनके जो मंदिरों की यात्रा, ये कुंभ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। और ऐतिहासिक चीज़ है कि सातों देवालय एक साथ चल रहे हैं, मंदिर की सारे वृंदावन की एकता देखने में इसमें मिल रही है। और उसमें राधा रमण जी की विशेष यात्रा सारे लवाजमे के साथ पूरे विश्व भर से वैष्णव हैं, कीर्तन हो रहे हैं। और सबसे आनंद की बात है कि राधा रमण जी के सारे गोस्वामीगण भी और सातों देवालयों के गोस्वामीगण एक साथ वृंदावन में निकले। मुझे नहीं लगता वृंदावन में इससे बड़ी कोई और इससे आध्यात्मिक दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण बड़ी यात्रा कोई रही होगी। राधा रमण।